रात नगर थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी के समीप पूर्व मेयर तथा वर्तमान पार्षद संजीव चौहान के घर में पटना मद्य निषेध की टीम और नगर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने घर से 47 कार्टन विदेशी शराब को भी जब्त किया। हालांकि पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। नगर डीएसपी ने बताया कि कल देर रात मद्य निषेध की विशेष टीम और नगर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 47 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया। पटना मद्य निषेध की टीम आई हुई थी और सूचना टाउन थाने को प्राप्त हुआ कि छोटी कल्याणी स्थित एक घर में अवैध शराब रखा हुआ है। उसी के क्रम में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई है। करीब करीब 400 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, 47 कार्टून। बताया जा रहा है कि संजीव चौहान जो वार्ड पार्षद हैं उनका मकान है, उसी में से मिला है। क्या कार्रवाई होगी सर आगे? कार्रवाई प्राथमिकी की कार्रवाई की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर करके अभी कार्रवाई। किसी गिरफ्तारी वगैरह? अभी गिरफ्तारी नहीं है। गौरियम IVF विनर ऑफ इंडियाज बेस्ट IVF क्लिनिक अवार्ड। गौरियम IVF जिसने हजारों महिलाओं के मां बनने के सपने को किया साकार। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं, तो अब चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहां दूसरे IVF सेंटर्स के फेल्ड केसेस और मल्टीपल साइकिल फेलियर केसेस का सक्सेस रेट न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा है। निराश ना हो, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस्ड है कि ज्यादातर लोगों के बच्चे इलाज से हो सकते हैं। वो एक सही IVF सेंटर को चुन करके वहाँ जाएं। सही सेंटर वो है जहाँ लीडर जो है हाईली क्वालिफाइड हो और सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। ना या अपने किसी जानकार के जीवन का सूनापन दूर करना चाहते हैं, तो आज ही आइए गौरियम IVF।